हाय डियर स्टूडेंट्स, मैं पढ़ाने जा रहा हूँ आपको पिट्यूटरी ग्लैंड। कल पढ़ाया था मैंने, उसके कुछ हार्मोन के फंक्शन उसके छोटे छोटे लाइन में लिख दे रहा हूँ, उसको देखिए। पिट्यूटरी ग्लैंड में मैं कल पढ़ाया था, ये पिट्यूटरी ग्लैंड है, ग्लैंड बताया था मैंने कल, दो पार्ट, एडिनो हाइपोफाइसिस या इसी को बोलते हैं इंटीरियर लोब ऑफ पिट्यूटरी ग्लैंड, इंटीरियर लोब, न्यूरो हाइपोफाइसिस, या इसको बोलते हैं पोस्टीरियर लोब, या इसी को बोलते हैं पार्स नर्वोशा। पार्स नर्वोशा भी बोलते हैं इसको। नंबर वाइज क्वेश्चन मिल जाएगा आपको, आपकी एनसीईआरटी के अनुसार इंटीरियर लोब के दो भाग, एनसीईआरटी के अनुसार इंटीरियर लोब के दो भाग पार्स डिस्टलिस पहला, दूसरा है पार्स इंटरमीडिया, पार्स इंटरमीडिया। न्यूरोहाइपोफाइस कोई अलग पार्ट नहीं, इसे हार्मोन जो निकलते हैं मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, सब पार्स डिस्टलिस से निकलने वाले होते हैं पांच हार्मोन, पार्स डिस्टलिस से पांच हार्मोन निकलते हैं, पांच कौन कौन, एसटीएच, टीएसएच, एसीटीएच, प्रोलैक्टिन, सब कल लिखे थे हम, और जीएनएच में दो, एफएसएच, एलएच या आईसीएसएच, प्रोलैक्टिन को और एक नाम से पुकारते हैं एलटीएच, लैक्टोट्रॉफिक हार्मोन। सबका फुल फॉर्म मैं बता दे रहा हूँ, बताया था कल, आज पुनः बता दे रहा हूँ। पार्स इंटरमीडिया से केवल एक हार्मोन निकलता, उसका नाम है एमईएसएच, ऐसे आप लिख लेंगे ताकि पूरी बातें समझ में आ जाएंगी, ठीक है। इससे हार्मोन निकलने वाला, न्यूरोहाइपोफाइसिस निकलने वाला तो हार्मोन होता है एडीएच या वैसोप्रेसिन कहते हैं इसको, वैसोप्रेसिन। इससे कौन निकलता है, दूसरा ऑक्सीटोसिन या मिल्क इजेक्टिंग हार्मोन, कल लिखे थे फिर आज लिख रहे हैं, मिल्क इजेक्टिंग हार्मोन, मिल्क इजेक्टिंग हार्मोन, या इसी को बोलते हैं हार्मोन ऑफ लेबर पेन, अब देखिए यहाँ पे ध्यान दीजिएगा बहुत, यहाँ पे सिंथेसिस भी होता है एंड देन सिक्रीशन होता है। ई हार्मोन कितने हार्मोन है, सब सिंथेसिस एंड सिक्रीशन होता है। इसमें क्या होता है, स्टोर होता है एंड सिक्रीशन होता है, सिंथेसिस नहीं होता है, यहाँ पे स्टोर होके सीक्रेट होता है, केवल रिलीज होता है। समझ में आ रही बातें, मैंने कहा पिट्यूटरी ग्लैंड के क्या पार्ट हैं, दो भाग, बोलिए ना, पिट्यूटरी ग्लैंड के दो भाग हैं एडेनोहाइपोफाइसिस न्यूरोहाइपोफाइसिस, एडेनोहाइपोफाइसिस इंटीरियर लोब और पोस्टीरियर हाइपोफाइसिस, देखिए पोस्टीरियर लोब को न्यूरोहाइपोफाइसिस या पार्स नर्वोशा कहते हैं,
ये इसमें से न्यूरोहाइपोफाइसिस होता है, इसमें से हाइपोथैलेमस से हार्मोन बन के यहाँ पर स्टोर होता है, और स्टोर होने के बाद फिर वहाँ से क्या होता है, रिलीज होता है, समझ रहे हैं ना। अर्थात यहाँ सिंथेसिस नहीं होता, सिंथेसिस कहाँ होता है, हाइपोथैलेमिक न्यूक्लियाई के द्वारा, और एक्सॉन के द्वारा आता है यहाँ पे, किसके द्वारा आता है, एक्सॉन के द्वारा, इसीलिए एक्सॉन को यहाँ तक बनाया गया, फिगर देखे थे कल, एक्सॉन के द्वारा आता है। और यहाँ पे तो सिंथेसिस होगा और सिक्रेशन भी होगा। कई हार्मोन है इसमें, देखे दो भाग हैं एडेनोहाइपोफाइसिस के, दो भाग, टू पार्ट्स, एडनो कौन, पार्सिस्टलिस और पार्स इंटरमीडिया, पार्सिस्टलिस और पार्स इंटरमीडिया। पार्सिस्टलिस से कौन निकलता, सोमैटोट्रॉफिक हार्मोन, जिसको एक और नाम से पुकारते हैं आप, इसका नाम है जीएच, ग्रोथ हार्मोन, एसटीएच को बोलते हैं सोमैटोट्रॉफिक हार्मोन या ग्रोथ हार्मोन, ठीक है, ग्रोथ के लिए जिम्मेदार होता है। इसकी कमी अगर हो जाती है चाइल्डहुड में तो ड्वार्फिज्म आ जाएगा, समझ रहे हैं ना। और अगर इसकी कमी ज़्यादती हो गई, हाइपर सिक्रीशन अगर हो गया, हाइपो मतलब कम, हाइपो सिक्रीशन अगर हो गया तो ड्वार्फिज्म हो जाएगा, समझ रहे हैं ना। अगर हाइपर सिक्रीशन हो गया बचपन में तो जिगांटिज्म हो जाएगा, मैं कल बताया था। और अगर हाइपर सिक्रीशन एडल्टहुड में हो गया तो वो क्या, एक्रोमिगैली हो जाएगा। एक्रोमिगैली मतलब होता है बॉडी पॉस्चर डिस्टर्बेंस, मोस्टली फेस का देखेंगे, फेस का चेहरा, जो फेस जो होता है वो चिंपैंजी लाइक हो जाता है, इतने समझिए। TSH जो होता है यहाँ से निकलेगा, थायरॉयड ग्लैंड को स्टिमुलेट करेगा, एक लाइन की बात, TSH थायरॉयड स्टिमुलेटिंग हार्मोन इसका नाम है, ठीक है ना। ये थायरॉयड यहाँ से निकलेगा, थायरॉयड ग्लैंड को स्टिमुलेट करेगा, क्या करने के लिए, थायरॉयड ग्लैंड को स्टिमुलेट करेगा, ये थायरॉयड ग्लैंड को स्टिमुलेट करेगा ताकि जो है थायरॉक्सिन हार्मोन को सिक्रेट करवा सके वो, समझ रहे हैं ना। कहने का मतलब यहाँ से निकल के थायरॉयड ग्लैंड को स्टिमुलेट करेगा, थायरॉयड ग्लैंड को कंट्रोल किया, फिर दूसरा हार्मोन ACTH, एड्रिनोकॉर्टिकोट्रॉफिक हार्मोन, एड्रिनोकॉर्टिकोट्रॉफिक हार्मोन, ये एड्रिनल ग्लैंड को स्टिमुलेट करेगा, यहाँ से निकलेगा एड्रिनल ग्लैंड पे आएगा, उसको स्टिमुलेट करेगा खाली, बाकी कोई काम नहीं करेगा। प्रोलैक्टिन हार्मोन आके मेमोरी ग्लैंड को स्टिमुलेट करेगा, किसको स्टिमुलेट करेगा, मेमोरी ग्लैंड को, क्या करने के लिए, मिल्क का सिंथेसिस और सिक्रेशन करवाने के लिए। GNH जो गोनेडोट्रोपिन हार्मोन होता है, इसमें से FSH जो होता है एंड्रोजन के साथ या टेस्टोस्टेरोन के साथ मिल के स्पर्मेटोजेनेसिस कराता है मेल में। FSH और एंड्रोजन या टेस्टोस्टेरोन मिल के क्या करते हैं, स्पर्मेटोजेनेसिस करते हैं। फीमेल में ही FSH क्या करता है, फॉलिकल को डेवलप कराता है, ओवरियन फॉलिकल्स को, ओवरी में जो प्राइमरी साइड के रूप में रहते हैं ओवम, उसको क्या करता है, उसी फॉलिकल के अंदर डेवलप कराता है। और डेवलप कराने के बाद क्या होगा, मेच्योर तब होता है, मेच्योर फॉलिकल बनेंगे, समझ में आ गई बात। इसका मतलब कुल मिला के एक लाइन की बात, यह स्पर्मेटोजेनेसिस के लिए जिम्मेदार है और ओजेनेसिस के लिए भी जिम्मेदार है, ठीक। लेकिन ह्यूमन बींग में तो ओजेनेसिस फीटल लाइफ में हो चुका रहता है, तो ओवम कुल मेच्योर होकर निकलना रहता है, समझ रहे हैं ना। मतलब प्राइमरी मियोसिस डिवीजन में अरेस्ट रहता है, सेकेंडरी मियोसिस डिवीजन में होना है बाद में, तो वही सेकेंडरी मियोसिस जब सेकंड ओसाइट बन जाए, सेकेंडरी ओसाइट, तब ओवलेट होगा, तो आप ओवलेशन में नहीं, इक्वल डेवलपमेंट में भाग लेता है। कुल मिला के एक लाइन बाद स्पर्मेटोजेनेसिस और ओजेनेसिस। और इसका कैम और एक होता है कि जो फॉलिकल सेल्स जो होती है उसकी ग्रैनुलोसा सेल होती है, वहाँ से क्या निकलवाता है, ये ओएस्ट्रोजन, फीमेल में ओएस्ट्रोजन निकलवाता है। ये LH क्या करता है, ये कार्पस ल्यूटियम को डेवलप करता है ओवुलेशन के बाद, ओवुलेशन करवाता है, पहला काम ये ओवुलेशन करवाएगा, LH ओवुलेशन करवाता है, अंडे को बाहर निकालता है। ओवुलेशन के बाद क्या करेगा, यही हार्मोन ओवुलेशन करता है, फिर जब ओवुलेशन हो जाएगा तो जो रप्चर्ड फॉलिकल्स होते हैं उससे क्या बनवाएगा, कार्पस ल्यूटियम, जिससे प्रोस्टान निकलेगा, वो अलग प्रोसेस बता देंगे हम। और दूसरा ICSH, इसी के नाम ICSH कहते हैं, इंटरस्टिशियल सेल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। यह किसके केस में,
इंटरस्टिशियल सेल स्टिमुलेटिंग हार्मोन जो होता है वह मेल के केस में टेस्टिस में सेमिनी फेरेस्टिबुल के बाहर जो होता है सेमिनी टेस्टिस में सेमिनी फेरेस्टिबुल के बाहर पाया जाता है लिडिक सेल्स या इंटरस्टिशियल सेल, उसको स्टिमुलेट करता है टेस्टोस्टेरॉन का सिक्रेशन करने के लिए। समझ में आई बात, टेस्टोस्टेरॉन का सिक्रेशन करवाते हैं, इसलिए इसका नाम है इंटरस्टिशियल सेल स्टिमुलेटिंग हार्मोन पड़ा हुआ है, इंटरस्टिशियल सेल स्टिमुलेटिंग हार्मोन पड़ा हुआ है। तो यह टेस्टोस्टेरॉन का सिक्रेशन करवाएगा किससे, इंटरस्टिशियल सेल से या लिडिक सेल से। ठीक, फिर बात मैंने बताया था ये न्यूरोहाइपोफाइसिस से निकलने वाला एडीएच है वैसोप्रेसिन एंटी डायूरेटिक हार्मोन। न्यूरोहाइपोफाइसिस में मैंने कहा यह हार्मोन कहाँ से बन के आता है, हाइपोथैलमस से बन के आता है, एक्सान के द्वारा कहाँ आता है, पोस्टीरियर लोब में, वहीं पर स्टोर होता है, वहाँ से फिर रिलीज होता है, बोलिए ना, वहाँ से फिर रिलीज होगा। तो ये अब ध्यान दीजिएगा, ये न्यूरोहाइपोफाइसिस है, यहाँ पे सिंथेसिस नहीं होगा, केवल यहाँ पे स्टोर होगा और सिक्रेशन। बन के कहाँ जाता है, हाइपोथैलमस के न्यूक्लियाई से, लेकिन वो एक्सान के द्वारा यहाँ भेजता है, किसके द्वारा भेजता है, एक्सान के द्वारा यहाँ पर आएगा। अब एडीएच क्या करता है, वाटर साल्ट को मेंटेन करता है, मोस्टली वाटर ये एब्जॉर्प्शन करता है तो साल्ट अपने आप जो है मेंटेन हो जाएगा। तो वाटर साल्ट को मेंटेन करने के लिए होता है, वाटर और साल्ट को मेंटेन करने के लिए, अगर इसकी कमी हो जाए तो मैंने बताया था कल डायबिटीज इंसिपिडस हो जाता है, जिसमें पाली यूरिया पायरोडिप्सिया होता है, पाली यूरिया मतलब बहुमूत्रता इसको बोलते हैं, ज़्यादा यूरिन डिस्चार्ज होगा, और पायरोडिप्सिया मतलब क्या होता है, प्यास खूब लगेगी, ये प्रॉब्लम हो सकती है। दूसरा ऑक्सीटोसिन, इसको मिल्क इजेक्टिंग हार्मोन कहते हैं, हार्मोन ऑफ लेबर पेन कहते हैं, यह क्या करता है, कंट्रैक्शन यूट्रस में कंट्रैक्शन करता है ताकि आराम से बच्चे पैदा हो जाएं, यूट्राइन कंट्रैक्शन के जिम्मेदार, और ब्रेस्ट को कंट्रैक्ट करता है ताकि उसमें से मिल्क का इंजेक्शन हो, किसका इंजेक्शन हो, मिल्क का, ये है पूरा। अब इसके बाद हम इसमें देखते हैं, इसको इरेज करते हैं, दो दो लाइन खड़े लिखेंगे, सबका अलग अलग आपके दिमाग में बातें आ जाएंगी। पहला है GH या STH, पहले इसका फुल फॉर्म जानेंगे, ग्रोथ हार्मोन या सोमैटोट्रॉफिक हार्मोन। यह क्या करता है, रिस्पॉन्सिबल फॉर ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ बॉडी। बॉडी के अगर इसका हाइपोसिक्रेशन हो जाए, हाइपोसिक्रेशन इन चाइल्डहुड, हाइपोसिक्रेशन अगर हो जाए तो क्या होगा, ड्वार्फिज्म, इसको बोलते पिट्यूटरी ड्वार्फिज्म, पिट्यूटरी ड्वार्फिज्म हो जाएगा, बौनापन आ जाएगा, हो गया। अगर हाइपर सिक्रेशन कब हो गया, हाइपर सिक्रेशन इन चाइल्डहुड तो क्या होगा, जिगांटिज्म हो जाएगा, बहुत लंबा हो जाएगा आदमी, जिगांटिज्म हो जाएगा, हो गया। अगर हाइपर सिक्रेशन कब हो रहा है, हाइपर सिक्रेशन इन एडल्टहुड तो एक्रोमिगैली हो जाएगा, सबको याद किया रहिएगा, एक्रोमिगैली हो जाएगा, चिंपैंजी लाइक फेस हो जाएगा,
बॉडी पास्चर डिस्टर्ब हो जाएगा, डेथ भी हो सकती है, समझ रहे हैं ना। एक्रोमिगैली का प्रश्न है बोलो, इवेंट डेथ हो सकती है बाद में, और डेथ नहीं ये मारता थोड़ा ही है, खाली क्या करता है चेहरे को ही फेस को जो है क्या करता है डिस्टर्ब कर देता है। डिस्टर्ब मतलब क्या होगा, मतलब हड्डी उड्डी थोड़ा ज़्यादा जो है बढ़ जाएंगे, चेहरा फेस जो है थोड़ा अजीब सा हो जाएगा, इसी को बोलते हैं एक्रोमिगैली, समझ में आई बात। बॉडी पास्चर डिस्टर्ब हो जाएगा कुल मिला के एक लाइन में, मोस्टली फेस, समझ में आई बात। जिगांटिज्म वाले भी हो सकता पूरी लाइफ ना जी पाए, पूरी लाइफ ना जी पाए, क्योंकि इतना थिन बॉडी होता है कि उसमें जो है मेटाबॉलिक रेट भी थोड़ा उनका डिस्टर्ब हो जाता है, तो बहुत लंबाई ज़्यादा बढ़ जाती है, उस हिसाब से बॉडी ग्रोथ हो नहीं पाता है, तो पूरी लाइफ ये भी हो सकता है ना जी पाए, लेकिन इसकी कोई गारंटी नहीं है। लेकिन इसकी गारंटी है कि हाइपोसिक्रेशन से बौना होगा लेकिन दिमाग तेज होगा उसका, इसे पिट्यूटरी ड्वार्फिज्म है, ठीक है। अगला है चाइल्डहुड में क्या हो रहा है, अगर चाइल्डहुड में हाइपरसिक्रेशन हो रहा है तो जिगांटिज बहुत लंबा हो जाएगा, और लंबा होने बहुत लंबा होगा, 6-7 फीट का हो गया, 7.5 फीट 8 फीट का हो गया, लेकिन उसके साथ बॉडी ग्रोथ नहीं हुआ तो बॉडी वो बहुत पूरा लाइफ लॉन्ग नहीं जी सकता, प्रॉब्लम होगी। और हाइपरसिक्रेशन अगर एडल्ट में एक्रोमिगैली चिंपैंजी लाइक फेस हो जाएगा, बॉडी पॉस्चर डिस्टर्ब हो जाएगा। दूसरा है कौन, TSH, इसको बोलते हैं थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन, किसको स्टिमुलेट करेगा, स्टिमुलेट्स थायराइड ग्लैंड, थायराइड ग्लैंड स्टिमुलेट होता है इससे। तीसरा है ACTH, एड्रिनो कार्टिको ट्रॉफिक हार्मोन, बोले ना भाई अब एड्रिनो कार्डिको ट्रॉफिक हार्मोन, ये क्या करता है, ये क्या करेगा, स्टिमुलेट्स एड्रिनल, स्टिमुलेट्स एड्रिनल कॉर्टेक्स। चौथा होता है प्रोलैक्टिन, दो दो लाइन बात खाली लिखना है, ये क्या करता है, प्ले इम्पॉर्टेंट रोल इन किसमें, सिंथेसिस एंड सिक्रीशन ऑफ मिल्क, प्रोलैक्टिन सिंथेसिस सिक्रीशन, इजेक्शन के लिए नहीं है ये को सिंथेसिस और सिक्रीशन करेगा। पांचवा है GnH, इसको बोलते हैं गोनेडोट्रोपिन, गोनेडोट्रोफिक हार्मोन भी कह सकते हैं, गोनेडोट्रोपिन हार्मोन या गोनेडोट्रोफिक हार्मोन भी कह सकते हैं। इसमें दो होते हैं गोनेडोट्रोपिक हार्मोन, दो, एक होता है FSH बता चुके हैं, और एक होता है ICSH। तो पहला लिखिए FSH का क्या फंक्शन होता है, FSH का क्या फंक्शन होता है, देखिए
नेक्स्ट है देखो अगला FSH A, इसको बोलते हैं फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन यह क्या करता है, इन फीमेल इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ किसको, फॉलिकल्स इन ओवरी, ओवरी में जाके। एंड इट आल्सो स्टिमुलेट्स सिक्रीशन ऑफ एस्ट्रोजन। एस्ट्रोजन कहाँ निकलता है, मैच्योर फॉलिकल की ग्रैनुलोसा सेल से। कहाँ निकलता है, मैच्योर फॉलिकल ग्रैनुलोसा सेल से एस्ट्रोजन, फ्रॉम ग्रैनुलोसा सेल। लो पूरी बात लिखते रहे, सेल ऑफ ऑफ फॉलिकल। दूसरा है ये, तो ये हो गया AFS, ये हो गया FSH का, फीमेल में काम है ये, किस में, ये फीमेल में है। मेल में इसका क्या काम है, इन मेल, इन मेल इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर, इन मेल इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर किसके लिए, रिस्पॉन्सिबल फॉर स्पर्मेटोजेनेसिस, विथ किसके साथ, विथ एंड्रोजन, एंड्रोजन के साथ मिलके, या इसी को बोलते टेस्टोस्टेरोन, इसका मेल हार्मोन, मेन हार्मोन होता है टेस्टोस्टेरोन। हो गया, ये इसके काम हो गया, ये मेल में है। दूसरा जो है बी हार्मोन का नाम है ICSH या LH, इसको बोलते हैं इंटरस्टिशियल सेल स्टिमुलेटिंग हार्मोन या ल्यूटिनाइजिंग, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन। ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन कहते हैं, फीमेल में क्या करता है ये, एक लाइन इन फीमेल, फीमेल में क्या करता है ये, ओवुलेशन कराता है एंड डेवलपमेंट ऑफ कार्पस ल्यूटियम, डेवलपमेंट ऑफ कार्पस ल्यूटियम के लिए जिम्मेदार होता है, याद रखिएगा इसको। हो गया, कार्पस ल्यूटियम के डेवलपमेंट के लिए याद रखिए, ओवुलेशन और डेवलपमेंट ऑफ कार्पस ल्यूटियम याद रखना है, क्वेश्चन पूछता है बहुत तगड़ा। और मेल में क्या करता है ये, इन मेल ये क्या करेगा, ICSH स्टिमुलेट, स्टिमुलेट करता है किसको, स्टिमुलेट्स इंटरस्टिशियल सेल, इंटरस्टिशियल
सेल, या इसको बोलते हैं क्या, लिडिक सेल्स, लिडिक्स सेल, फार सिक्रेशन ऑफ, फार सिक्रेशन ऑफ किसके सिक्रेशन से, फार सिक्रेशन ऑफ एंड्रोजन या टेस्टोस्टेरॉन, इसका मेन हार्मोन ही होता है, इसे टेस्टोस्टेरॉन भी कह सकते हैं। हो गया, कोई प्रॉब्लम? अगला है छठवां, MSH, वो भी लिख लो, MSH, इसको बोलते हैं मिलेनोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन। ये क्या करता है, स्टिमुलेट मिलेनोसाइट, मिलेनोसाइट या पिगमेंट सेल कहते हैं इसको, फार सिंथेसिस सिक्रीशन ऑफ ऑफ किसका, मिलेनिन, मिलेनिन हार्मोन, सॉरी मिलेनिन पिगमेंट, मिलेनिन याद रखेगा इसको, ध्यान दें, मिलेनिन पिगमेंट, मिलेनिन पिगमेंट, मिलेनिन पिगमेंट को रिलीज करवाता है। ये इंटरलॉक पिट्यूटरी ग्लैंड्स होने वाला हार्मोन था। हो गया, इरेज कर दें। लिखो प्रभावित तो इरेज कर दें। इरेज करें, कुछ परेशानी है, परेशानी बताओ, टेंशन ना लिए मगर। नेक्स्ट, हार्मोन ऑफ, दूसरा है हार्मोन ऑफ न्यूरोहाइपोफाइसिस, न्यूरोहाइपोफाइसिस निकलने वाला हार्मोन, न्यूरोहाइपोफाइसिस से निकलने वाला हार्मोन कौन कौन होता है, यह देखिए, यह केवल क्या करता है, इन न्यूरोहाइपोफाइसिस, एक लाइन लिख लीजिएगा, इन न्यूरोहाइपोफाइसिस हाइपोफाइसिस हार्मोन्स आर, टू हार्मोन्स आर स्टोर्ड एंड रिलीज्ड,
टू हार्मोन स्टोर होता है, रिलीज होता है, क्यों? वाई? बिकॉज दीज हार्मोन सिंथेसाइज्ड बाय न्यूरोसिक्रेटरी सेल्स, न्यूरोसिक्रेटरी सेल्स ऑफ किसके? न्यूरोसिक्रेटरी सेल्स ऑफ हाइपोथैलेमस एंड लीज इन एंड सिक्रेट इन, कहाँ पे सिक्रेट किया जाता है? न्यूरोहाइपोफाइसिस, किसके द्वारा भाई? क्वेश्चन है ये भाई, किसके द्वारा जाएगा? एक्सॉन, ब्लड के द्वारा नहीं आता, याद रखेगा ये। इसीलिए एक्सॉन कहाँ तक बनाया हुआ फिगर में, हो गया? पहला हार्मोन एडीएच या वैसो प्रेशिन, एडीएच को बोलते हैं एंटी डाइयूरेटिक हार्मोन। इसका काम क्या होता है एंटी डाइयूरेटिक हार्मोन का, बोलिए ना? वाटर सॉल्ट को मेंटेन करता है, एक लाइन की बात, मेंटेन वाटर एंड सॉल्ट, वाटर एंड मेंटेन वाटर एंड सॉल्ट। कैसे मेंटेन करेगा? बिकॉज ऐसा क्यों करेगा? इट इंक्रीज एब्जॉर्प्शन ऑफ, सॉरी रीएब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर, कहाँ से? फ्रॉम डीसीटी एंड और कलेक्टिंग डक्ट से। ये बुक में आपको नहीं लिखा है, हो गया? हाइपोसिक्रेशन क्या करेगा? हाइपोसिक्रेशन ऑफ एडीएच कॉजेज डायबिटीज, याद रखिएगा इसको, इनसिपिडस, इनसिपिडस डायबिटीज इनसिपिडस। इसमें क्या होता है? दो सिम्टम, इसमें क्या होता है? पालीयूरिया होता है और दूसरा होता है पालीडिप्सिया, पालीडिप्सिया मतलब इंक्रीज यूरिन आउटपुट और इंक्रीज क्या, थर्स्ट, दो बातें हो गई। तीसरा है दूसरा हार्मोन, ये तो एडीएच होगा पहला हार्मोन, दूसरा हार्मोन है ऑक्सीटोसिन या इसी को बोलते हैं मिल्क इजेक्टिंग हार्मोन। सिद्ध में बोल रहा है, तो खुद ही बोल रहा है कुल, या इसी को बोलते हैं क्या हार्मोन ऑफ लेबर पेन, अभी लिखे पांच बार लिख चुके हैं, हार्मोन ऑफ लेबर पेन, लेबर पेन के लिए हार्मोन होता है। इसका मतलब क्या करेगा ये, क्या करेगा? यूट्रस को कंट्रैक्ट कर, मेमोरी ग्लैंड को कंट्रैक्ट करेगा, कंट्रैक्ट द यूटराइन मसल्स, मसल्स फॉर लेबर पेन, प्रसव पीड़ा के लिए। और क्या करेगा? कंट्रैक्ट द मसल्स ऑफ मेमोरी ग्लैंड, मेमोरी ग्लैंड फार किसके लिए? मिल्क इजेक्शन,
दूध को निकालने के लिए मिल्क इजेक्शन, यहाँ पे लिखना चाहिए ब्रेस्ट या उदर को, समझ रहे हैं ना। ये हो गया आपका पूरा पिट्यूटरी ग्लैंड के विषय में बातें। ये डायबिटिस इंसिपिडस की बात है, देख लीजिएगा, इसको याद कर रहिएगा। डायबिटिस इंसिपिडस और डायबिटिस मेलाइटस में बहुत कन्फ्यूजन होता है, इसलिए एक को याद करो दूसरे को भूल जाओ, एक को याद करें दूसरे को भूल जाइए, कोई प्रॉब्लम है। चलिए ख़त्म हो गया ये पिट्यूटरी ग्लैंड। दूसरा हेडिंग जो है इरेज करें इसको, लिख लिए हैं। न लिखकर बता दिया क्यों नहीं लिख पाए हैं। नेक्स्ट अब है आपका पढ़ना जो है वो उनका नाम है पिनियल ग्लैंड। क्या नाम है? पिनियल ग्लैंड। ये कहाँ पाया जाता है? ब्रेन के डॉर्सल रीजन पाया जाता है, ब्रेन में पाया जाता है, वही ब्रेन। अब ब्रेन पूरे ब्रेन का नहीं, ये देखिए इट इज़ प्रेजेंट इन, कहाँ प्रेजेंट होता है? सॉरी, पहली बात एक्टोडर्मल ओरिजिन होता है, ये कैसा होता है? एक्टोडर्मल इन ओरिजिन होता है, पहली बात। कहाँ पाया जाता है? फाउंड इन डार्सल रीजन ऑफ होल ब्रेन, इंटीरियर ब्रेन के डार्सल रीजन में। इधर देखो, ये क्या करता है? इट सिक्रीट्स, क्या सिक्रीट्स करता है? प्रोटीनस हार्मोन। क्या नाम है? मेलाटोनिन, मेलाटोनिन, जो किसके लिए रिस्पांसिबल होता है? फंक्शन मेलाटोनिन का, मेंटेन बायोरिथम। क्या मेंटेन करता है? बायोरिदम, बायोरिदम को मेंटेन करता है। इसको बोलते हैं बायोलॉजिकल क्लॉक, बायोलॉजिकल क्लॉक भी कह सकते हो आप। लाइक जैसे स्लीप वेक साइकिल, उठने जागने का क्रम, स्लीप वेक साइकिल, उठने सोने का क्रम मेंटेन करता है। डे नाइट पीरियडिसिटी, डे नाइट पीरियडिसिटी, मेंस्ट्रुअल साइकिल, मेंस्ट्रुअल साइकिल को भी मेटाबॉलिक एक्टिविटी को भी मेटाबॉलिक एक्टिविटी, जैसे कुछ नॉक्टर्नल होते, देखिए दे देखिए, कुछ इंडिविजुअल नॉक्टर्नल होते हैं, रात में एक्टिव दिन में सोते हैं, कुछ डायर्नल होते हैं जो दिन को एक्टिव रहते हैं रात को सोते हैं,
तो उनको जो निर्धारित करता है बायोलॉजिकल क्लॉक डे नाइट पीरियडिसिटी वो कौन होता है, मेलाटोनिन। बात समझ रहे हैं ना। मेंस्ट्रुअल साइकिल को भी मेंटेन करता है ये, सेक्सुअल बिहेवियर को मेंटेन करता है, सेक्सुअल साइकिल को मेंटेन करता है। क्या करेंगे आप, सेक्सुअल साइकिल को भी मेंटेन करता है, मेटाबॉलिक एक्टिविटी को भी मेंटेन करता है। किसके अनुसार, डे नाइट पीरियडिसिटी के अनुसार। दिन के समय मेटाबॉलिक एक्टिविटी तगड़ा रहेगा, रात के समय क्या होगा, मेटाबॉलिक एक्टिविटी स्लो हो जाएगा। जो डायर्नल इंडिविजुअल हैं, जो नॉक्टर्नल इंडिविजुअल हैं, उनका रात को एक्टिव हो ज़्यादा मेटाबॉलिक एक्टिविटी तेज़ हो जाएगा, मेटाबॉलिक एक्टिविटी रात को तेज़ हो जाएगा, लेकिन दिन में क्या होगा, दिन में स्लो हो जाए ताकि आराम से वो सो सकें। तो मैंने क्या बताया, पिनियल ग्लैंड जो होता है कहाँ पाया जाता है, फोर ब्रेन के, पिनियल ग्लैंड कहाँ पाया जाएगा, फोर ब्रेन के जो है, पिनियल ग्लैंड जो होता है वह फोर ब्रेन के डार्सल रीजन पाया जाएगा। छोटा सा ग्लैंड होता है, मेलाटोनिन का सिक्रेशन करता है, मेलाटोनिन क्या करता है, डे नाइट पीरियडिसिटी मेंटेन करता है, जिसको बायोरिथम कहते हैं। समझ रहे हैं, बायोलॉजिकल क्लॉक भी आप कर सकते हैं। कैसे कैसे क्या क्या मेंटेन कर, स्लीप वेक साइकिल, स्लीप मतलब होता है सोना, जागना, वेक मतलब जागना, सोने जागने का साइकिल मेंटेन करता है। दिन और रात का पीरियडिसिटी मेंटेन करता है, मेंस्ट्रुअल साइकिल को मेंटेन करता है, समझ रहे हैं ना, मेटाबॉलिक एक्टिविटी को और सेक्सुअल साइकिल को भी। और कोई प्रॉब्लम है, कोई प्रॉब्लम पूछ लीजिए। ये है मेलाटोनिन, इससे ज़्यादा बहुत ज़्यादा बताने की जरूरत नहीं है, इतना आप अगर याद है। बायोलॉजिकल क्लॉक को निर्धारित करने वाला कौन हार्मोन, मेलाटोनिन। मेंस्ट्रुअल साइकिल कौन करता है, मेलाटोनिन। डे नाइट पीरियडिसिटी कौन करता है, मेलाटोनिन। स्लीप वेक साइकिल के लिए कौन है, मेलाटोनिन। इतना कम है आपको, प्रोटीनस नेचर का एक्टोडर्मल ओरिजिन होता है, पोजीशन आप देख रहे हैं, इससे ज़्यादा बताने का मतलब बेवकूफ़ बनाना होता है आपको। इरेज करें, अगर कोई सम चीज़ समझ ना तो आप पूछ सकते हैं विदाउट एनी हेजिटेशन। इसमें पिनियल ग्लैंड में, पिट्यूटरी ग्लैंड में जो पढ़ाते जा रहे हैं उसको पूछते जाइए जो प्रॉब्लम हो। नेक्स्ट आगे जो पढ़ना है, तीसरा है थायराइड ग्लैंड, शायद यही है हमको यहाँ तक लगता है, यही थायराइड ग्लैंड। थायराइड ग्लैंड जो होता है एंडोडर्मल ओरिजिन होता है। कैसा होता है ये, पहली बात, एंडो डर्मल इन ओरिजिन। कभी कभी पूछ लेता है तो आप कहीं सही नहीं बताए, थायराइड ग्लैंड क्या होता है, एंडोडर्मल ओरिजिन होता है। और देखिए कहाँ होता है ये, इसका पोजीशन कहाँ होता है, ये बाईलोब्ड। पहले सुन लीजिए, थायराइड ग्लैंड जो होता है पहले समझिए, ये लैरिंग्स है, लैरिंग्स के नीचे पाया जाता है, लैरिंग्स के नीचे ट्रैकिया के दोनों साइड में बाईलोब्ड, लैरिंग्स के नीचे ट्रैकिया के दोनों साइड में, लैरिंग से नीचे ट्रैकिया के दोनों साइड में पाया जाता है क्या, लैरिंग के नीचे ट्रैकिया के दोनों साइड में थायराइड ग्लैंड पाया जाता है, जो बाईलोब्ड होता है, एच शेप्ड होता है, एच शेप्ड, कैपिटल एच शेप्ड होता है, बटरफ्लाई शेप्ड होता है, और वह आपस में दोनों लोब जुड़े होते हैं इस्थमस के द्वारा। किसके द्वारा, इस्थमस के द्वारा, कनेक्टिव टिश्यूज होता है उसी द्वारा जुड़ा, इस्थमस कहते हैं उसको। अब थायराइड ग्लैंड जो होता है ये लार्जेस्ट एंडोक्राइन ग्लैंड है, समझ रहे हैं ना, लार्जेस्ट एंडोक्राइन ग्लैंड कौन, थायराइड ग्लैंड है। और ये थायराइड ग्लैंड जो होती है इसमें जो ये बना हुआ होता है फालिकुलर सेल्स और पारा फालिकुलर सेल्स से, और स्टोमा कनेक्टिव टिश्यूज के द्वारा। फालिकुलर सेल जो होती है वो थायरॉक्सिन का सिक्रेशन करती है, पैरा फालिकुलर सेल सिक्रेट करती है किसको, कैल्सिटोनिन को, एक हार्मोन। और फालिकुलर सेल जो होती है वो सिक्रेट करती हैं, फालिकुलर सेल्स सिक्रेट करती हैं कौन से हार्मोन को, T3 और T4 हार्मोन को। T3 और T4 हार्मोन जो होता है उसको हम ट्राईआयोडोथायरोनिन और T4 को टेट्राआयोडोथायरोनिन कहते हैं। ये आयोडिनेटेड अमीनो एसिड होती हैं, आयोडिनेटेड अमीनो एसिड हार्मोन है।
आयोडिनेटेड अमीनो एसिड हार्मोन, बहुत महत्वपूर्ण वर्क करती है ये। मेंटल इधर देखिए डेवलपमेंट पर समझिए, बॉडी डेवलपमेंट में भी इनका योगदान होता है। सेल इलांगेशन, सेल डिफ्रेंशिएशन, सेल मेचोरेशन के लिए, प्रोटीन सिंथेसिस में लिए भाग लेती हैं ये। ये कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म के लिए, फैट मेटाबॉलिज्म के लिए, प्रोटीन मेटाबॉलिज्म के लिए रिस्पॉन्सिबल होती हैं। इरिथ्रोपोइसिस के लिए भी जिम्मेदार होती हैं, इरिथ्रोपोइसिस के लिए भी। इसके अलावा इधर देखे ब्रेन के डेवलपमेंट के लिए, नर्वस सिस्टम के डेवलपमेंट के लिए। इसके अलावा बेसल मेटाबॉलिक रेट को मेंटेन करने के लिए, समझ रहे हैं ना, इस सब के डेवलपमेंट की जरूरी होती है। थायरॉक्सिन हार्मोन जो होता है किसका किसका काम, कौन कौन सा काम करता है, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ द बॉडी के लिए, सेल इलांगेशन, सेल डिफरेंशिएशन, सेल मैच्योरेशन। बुक में आपके नहीं, हमें नहीं प्रॉब्लम है, लेकिन हम जानते तो बता देंगे आपको। इसके अलावा ये क्या करता है, ब्रेन के डेवलपमेंट के लिए, नर्वस सिस्टम के डेवलपमेंट के लिए, ब्रेन और नर्वस सिस्टम के डेवलपमेंट के लिए। और किसके लिए काम करता है ये, मेटाबॉलिज्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट प्रोटीन और फैट, कार्बोहाइड्रेट प्रोटीन फैट के मेटाबॉलिज्म के लिए। और बेसल मेटाबॉलिक रेट को निर्धारित करता है ये, बेसल मेटाबॉलिक रेट को। एनर्जी प्रोडक्शन में भी इसका योगदान होता है, ये स्ट्रांग लिपोलिटिक हार्मोन होता है। इसके अलावा हीमोपोइसिस, इरिथ्रोपोइसिस में भी भाग लेता है, नहीं लिखा है बुक में, इरिथ्रोपोइसिस में भी भाग लेता है। या मेटामार्फोसिस करवाता है, लार्वा में अगर थायरॉक्सिन कमी हो जाए तो लार्वा ही रह जाता है, मेटामार्फोसिस नहीं कर पाता है, मेटामार्फोसिस के लिए भी जिम्मेदार होता है, समझ रहे हैं ना। और इसके अलावा जो है थायरॉक्सिन क्या करता है, नर्वस सिस्टम के डेवलपमेंट के लिए ज़रूरी होता है, बात समझे। और बॉडी में उत्साह, जो टेम्पो ऑफ लाइफ होता है उसको मेंटेन करता है, टेम्पो ऑफ लाइफ के लिए ये थायरॉक्सिन। अगर इम्ब्रियोनल लाइफ में, नाम सुन लीजिए सब, अगर इम्ब्रियोनल लाइफ में थायरॉक्सिन हार्मोन का सिक्रेशन कम हो जाए, इम्ब्रियोनल लाइफ में अगर किसका सिक्रेशन कम हो जाए, थायरॉक्सिन हार्मोन का सिक्रेशन कम हो जाए, तो एक डिजीज होता है उसको बोलते क्रिटनिज्म, एक डिजीज होता है इसको बोलते क्रिटनिज्म, स्टंटेड ग्रोथ हो जाएगा, बॉडी साइज छोटी हो जाएगी, बौना नहीं होगा एकदम, बॉडी साइज लेकिन तब भी छोटी हो जाएगी, लेकिन क्या होगा उसमें, वो सेक्सुअली स्टराइल होगा, बॉडी जो है क्या क्या होगा, बॉडी में स्वेलिंग थोड़ा होगी, पप्पी स्वेलिंग, स्टंटेड ग्रोथ, मेंटली रिटार्डेड, सेक्सुअली स्टराइल, बेसल मेटाबॉलिक रेट स्लो, स्लगिश इन नेचर, पॉट बेली, पीजन चेस्ट, इलाटा प्रॉब्लम होंगे, समझ रहे हैं ना। इसको बोलते हैं क्रिटनिज्म। इसका इधर देखिए डीप म्यूटिज्म हो जाएगा, गूंगा बहरा हो सकता है, समझ रहे हैं ना, गूंगा बहरा, स्टराइल, स्किन जो होंगी वो रफ होंगी, खुरदरी टाइप की होंगी, स्मूथ नहीं होंगी, इसकी बेसल मेटाबॉलिक रेट स्लो होगा, बेसल मेटाबॉलिक स्लो होगा, मेंटली रिटार्डेड होगा। ये सारे सिम्टम्स होते हैं किसके, क्रिटनिज्म के, बात समझे। अब आपको दिखा दे रहे हैं हम, और इसके अलावा ये तो हाइपोसिक्रेशन बचपन में हुआ तो ऐसा होगा, सुनिए, मतलब बचपन मतलब क्या, इम्ब्रियन लाइफ में तो ऐसा होगा। अगर हाइपोसिक्रेशन हो जा रहा है कब, एडल्टहुड में, तो माइक्सोएडिमा हो जाएगा, माइक्सोएडिमा बुक में दिया ही नहीं होगा आप लोगों के, दिया है जरूर मैं जानता हूँ, माइक्सोएडिमा हो जाएगा, पप्पी स्वेलिंग इन द बॉडी, बॉडी में पप्पी स्वेलिंग हो जाएगी, मेंटल एबिलिटी कमज़ोर हो जाएगी, स्टेरिलिटी आने लगेगी, बेसल मेटाबॉलिक रेट कम हो जाएगा, स्लगिश हो जाएंगे, ये सारे सिम्टम्स आएंगे। बढ़िया फूलती नहीं, डॉक्टर तुरंत कहते जहाँ बॉडी फूलती है, थोड़ा मुस्टन टाइप की होती है महिलाएँ या पुरुष जो भी हो, तुरंत डॉक्टर कहता है ऐसा चेकअप कराओ, थायराइड प्रॉब्लम तो नहीं तुमको, समझ रहे हैं ना। अगर किसी का बॉडी थोड़ा स्वेल कर जाती है, फूल जाती है, तो पहले डॉक्टर कहता है आप चेकअप करा लीजिए, आपको थायराइड प्रॉब्लम हो सकती है, समझ रहे हैं ना। तो थायराइड प्रॉब्लम होने में क्या होगा, इधर देखिए थायराइड प्रॉब्लम होने का मतलब क्या हो गया, बॉडी स्वेल कर गई, पप्पी स्वेलिंग हो गई, उसमें मेटाबॉलिक रेट उसका स्लो हो जाएगा, बोलिए ना, मेटाबॉलिक रेट स्लो हो जाएगा।
और उसके बाद मेंटल जो होता है मेंटल रिटार्डेशन चालू हो जाएगा, स्टेरिलिटी आने लगेगी, एबनॉर्मल मेंस्ट्रुएशन आ जाएगी, महिलाओं में एबनॉर्मल मेंस्ट्रुएशन, प्रेगनेंसी भी नहीं हो सकती है, इसकी भी कोई गारंटी नहीं होगी, थायराइड कितना बड़ा रोल होता है, फैट का खूब एक्युमुलेशन बॉडी में होने लगेगा, बस समझे क्यों, क्योंकि हाइपोसिक्रेशन हो जाएगी अब थायरॉक्सिन का एडल्टहुड में। तब अगर हाइपर सिक्रेशन हुआ, एक मिनट एक बात और बता दें यहीं पे, अगर आयोडीन की कमी हो जाए भोजन में तो गोइटर हो जाता है, अगर आयोडीन की डिफिशियंसी हो जाए तो गोइटर हो जाता है, समझ रहे हैं ना, अगर भोजन में आयोडीन कमी हो जाए तो थायरॉक्सिन को डेवलप कराने के लिए नेकवा फूल जाता है, थायरॉक्सिन बढ़ जाता है, क्या बढ़ जाता है, थायरॉक्सिन बढ़ जाता है, थायरॉइड ग्लैंड बढ़ेगा, थायरॉक्सिन का सिक्रेशन बढ़ जाएगा, बोलिए ना, मेंटेन रखने के लिए करता है ऐसा, उसको हम बोलते हैं गोइटर, क्या बोलते हैं गोइटर। एक होता हाशिमोटोज डिजीज, कभी कभी गोइटर को ठीक करने की दवाएं दी जाती है, वही उसको क्या करती नष्ट कर देते, उसको बोलते हैं हाशिमोटोज डिजीज, लेकिन वो आपकी बुक में नहीं इसलिए हम नहीं बताएंगे उसको। और एक होता है हाइपर सिक्रेशन, से क्या होता है हाइपर सिक्रेशन अगर हो जाए थायरॉक्सिन का, तो एक डिजीज होता है, इसको बोलते हैं हम क्या, हाइपर थायरॉयडिज्म गोइटर, या इसी को बोलते हैं ग्रेव्स डिजीज, लिखा है नहीं लिखा है बुक में, हाइपर थायरॉयडिज्म जो होता है, हाइपर थायरॉयडिज्म जब होगा, हाइपर सिक्रेशन होगा, तो इससे क्या होगा, हाइपर थायरॉयडिक गोइटर, या उसी को बोलते ग्रेव्स डिजीज, इसमें क्या होगा, इधर देखिए नेक थोड़ा फूल जाएगा, बल्गिंग ऑफ आइज हो जाएंगी, बल्गिंग ऑफ आइज मतलब यखिया जो आँख एक सफ़ेद वाला भाग होता है थोड़ा बाहर आ जाएगा, आँख का सफ़ेद वाला भाग जो होता है वो कहाँ जाएगा, बाहर आ जाएगा, बल्गिंग ऑफ आइज, इरिटेबल नेचर, बेसल मेटाबॉलिक रेट तेज, बॉडी थिन, बॉडी थिन हो जाएगी, और गला क्या हो जाएगा, स्वेल कर जाएगा, समझ रहे हैं ना, और शार्प माइंड होगा, माइंड थोड़ा तेज होगा, तेज इसलिए होगा क्योंकि थायरॉक्सिन जो होता है वो हाइपर सिक्रेशन से ब्रेन का जो है डेवलपमेंट थोड़ा तेज हो जाता है, मतलब सोचने समझने क्षमता भी तेज हो जाती है, लेकिन हाइपर सिक्रेशन कारण जो एनर्जी का प्रोडक्शन ज़्यादा होता है, स्वेटिंग वोटिंग हो सकती है, हाइपर एक्टिविटी करते रहते हैं, और क्या होगा, घेंगा फूल जाएगा, बेसल मेटाबॉलिक रेट तेज रहेगा, लेकिन बॉडी थिन रहेगी, हमारी बात समझ में आई, क्या बताए, यही ग्रेव्स डिजीज का सिम्टम्स है। पहला एंड्रोजन थायराइड ग्लैंड क्या होता है, बाइलोब्ड स्ट्रक्चर होता है, कैसा होता है, बाइलोब्ड स्ट्रक्चर, बोलिए ना, बाइलोब्ड स्ट्रक्चर किससे बनता है, ये बाइलोब्ड स्ट्रक्चर है, ये सिचुएटेड बेलो द, सिचुएटेड बेलो द लैरिंग्स, बोथ साइड ऑफ ट्रेकिया, बोथ साइड ऑफ ट्रेकिया, बोथ लोब्स अटैच टुगेदर बाय कनेक्टिव टिश्यूज के द्वारा, कॉल्ड इस्थमस, उसको क्या बोलते हैं, इस्थमस हो गया, ये देखिए ये इस्थमस से अटैच होता है। थायरॉयड किसका बना होता है, थायरॉयड ग्लैंड इज consists of
स्ट्रोमा एंड फॉलिकुलर सेल। स्ट्रोमा कनेक्टिव टिश्यू, स्ट्रोमा मतलब क्या होता है? स्ट्रोमा कनेक्टिव टिश्यूज होता है, ये कनेक्टिव टिश्यू, स्ट्रोमा कनेक्टिव टिश्यू और फॉलिकुलर सेल्स, और पैराफॉलिकुलर सेल्स भी होती है, लेकिन आपको पैराफॉलिकुलर सेल्स का कहीं नाम नहीं दिया हुआ है। अब देखिए फॉलिकुलर सेल से क्या निकलता है पता है? फॉलिकुलर सेल से क्या निकलता है? फॉलिकुलर सेल से निकलता है T3 T4। पैराफॉलिकुलर सेल से क्या निकलता है? पैराफॉलिकुलर सेल से क्या निकलता है? इन दोनों को मिलाते हैं तो बोलते हैं थायरॉक्सिन। T3 मतलब ट्राइआयोडोथायरोनिन, इसका हम दोनों का फुल फॉर्म लिख दे रहे हैं, इसको बोलते हैं ट्राइआयोडोथायरोनिन, इसको बोलते हैं T4 को टेट्राआयोडोथायरोनिन। ये 80% लगभग होता है और ये होता है 20%। हो गया। पैराफॉलिकुलर सेल से क्या निकलता है? एक हार्मोन कैल्सिटोनिन, ये क्या याद कर रहिएगा, कैल्सिटोनिन पैराफॉलिकुलर सेल से निकलता है, वो आपको ऊपर दिया नहीं हमारे समझ से। ये नहीं देखिए हम आपको बताएं, मेजॉरिटी में टेट्राइडोथायरिन ऊपर है ना, इधर देखिए पहली बात तो ये जान लीजिए 80% टेट्राइडोथायरिन है और ये 20% है, तो ज़्यादा तो टेट्राइडोथायरिन होता है, बात समझ रहे हैं ना, इससे ज़्यादातर इसी को T4 को ही कहते हैं। ठीक, जिसकी मेजॉरिटी होती है ये देखो 80% ये है ना, तो उसी को ज़्यादा कहते हैं, समझ गए। हालांकि कहते दोनों को हैं लेकिन मेजॉरिटी में किसकी है? टेट्राइडोथायरिन 80% है, ये बुक में आपको लिखा नहीं है, लिखा 80% नहीं लिखा, तो इसको जानते रहिएगा। और आपको बता दें डिट मिलता है तो T4 मिलता है, डाइआयोडोथायरोसिन मिलता है तब बनता है टेट्राइडोथायरोनिन, और जब मिट और डिट मिलता है तब बनता है ट्राइआयोडोथायरोनिन, लेकिन अब उसे हम बताते नहीं यहाँ पे, फालतू वेस्टेज है, टाइम वेस्टेज है वो सब। हो गया। अब देखिए कैल्सिटोनिन, अब सबका वर्क लिखे कौन कौन किसका किसका वर्क करता है, स्ट्रक्चर बना के दिखा दे रहा है आपको, क्या हो गया, स्ट्रक्चर बना के दिखाएं, क्या कुछ परेशानी पूछो, भूख लगी अभी रुक जाओ। देखिए इधर लिख लिए हैं, नेक्स्ट देखो अब आप आगे, ये थायरॉक्सिन है, बस फिगर आपको बनाने ज़्यादा उसमें वो नहीं करना, खाली समझने के लिए बनाना है।
ये कौन है? लैरिंग्स है। ये कौन है? लेफ्ट लोब और राइट लोब, ये लेफ्ट लोब है। और ये कौन है? राइट लोब। किसका? ऑफ थायराइड। ये ट्रैकिया है और ये इस्थमस है। इस्थमस है तो ये एक्सेप्ट है कि नहीं है? ये वेंट्रल व्यू है। ये कैसा है? वेंट्रल व्यू है। वेंट्रली देखेंगे तो ऐसा मिलेगा आपको, डार्सरी थोड़ा चेंज हो जाएगा। ये वेंट्रल व्यू है। अगर डार्सल व्यू देखना चाहेंगे तो ऐसा कुछ दिखाई देगा। देखो इधर, ये डार्सल व्यू हो गया। लैरिंग्स वैसे ही, ये अब राइट लोब हो गया। हल आप कुछ राइट लोब लेफ्ट लोब उसको ही मतलब नहीं है। खाई लोब आप वो लिख दो बस, नहीं पगलाओ को वही में लोब ऑफ थायराइड ग्लैंड। ये ट्रैकिया आपको साफ साफ दिखाई दे रहा है, दिखाई दे रहा है ना आप? इस्थमस नहीं है, दिखाई दे रहा है। और यहाँ पर ये कौन है? चाटो। चाटो कौन दिखाई दे रहे हैं? पैरा थायराइड ग्लैंड। ये डार्सल व्यू है। फिगर ये वेंट्रल व्यू था और ये फिगर कैसा है? डार्सल व्यू। डार्सल देखेंगे तो ऐसा दिखाई देगा। समझ में आई बात? इरेज करें। इरेज कर दें। वेंट्रली देखेंगे तो एच सेप्ट दिखाई दे रहा है, नहीं दिखाई दे रहा? देखिए ये एच ऐसा दिखाई दे रहा है कि नहीं दिखाई दे रहा है? अरे बीच में ये इतना है, एक ये, एक ये, ये शेप दिखाई दे रहा है ना? ये एच शेप्ड होता है। लैरिंग्स के नीचे है, ट्रैकिया के दोनों तरफ है, इस्थमस के द्वारा अटैच्ड है, बोलिए ना। और इस फॉलिकुलर पैराफॉलिकुलर सेल्स का बना हुआ था। फॉलिकुलर सेल से थायरॉक्सिन निकलता है, पैराफॉलिकुलर से क्यों निकलता है? कैल्सीटोनिन। ये इसी को ऊपर पैराथायरॉयड ग्लैंड भी होता है। पैराथायरॉयड ग्लैंड थायरॉयड ग्लैंड का पार्ट नहीं है, वो अलग है। इरेज कर दें। देखो
देखिए बाप, सुनिए, अब जो बता रहा हूँ उसको देखिए। टेक्स्ट अब फंक्शन ऑफ थायरॉक्सिन हार्मोन, सॉरी एक मिनट रुक जाओ, थायरॉक्सिन इज formed by iodination process. Iodination process of किसके? Amino acid tyrosine. Amino acid tyrosine. अगर क्या होता है, इफ थ्री आयोडीन मॉलिक्यूल्स अगर तीन आयोडीन मॉलिक्यूल्स हैं अटैच्ड विथ अमीनो एसिड टायरोसिन, तो इसको क्या बोलते हैं, कार्ड T3 20% नहीं बनाता है ना, अब अगर किससे, इफ 4 आयोडीन मॉलिक्यूल अटैच होते किससे, किससे अटैच होते हैं, अटैच्ड विथ अमीनो एसिड टायरोसिन, तो इसको क्या बोलते हैं, अमीनो एसिड टायरोसिन, तो इसको क्या बोलते हैं, कार्ड T4 को क्या बोलते हैं, टेट्रा आइडो थायरोनिन, T3 को बोलते हैं ट्राई आइडो थायरोनिन, समझ में आ गई बात, ये इसका नाम है, ये T3 का नाम है, ये T4 का नाम ये है, टेट्राइडोथायरोनिन ट्राइआइडोथायरोनिन, ये देखो ये T3 का नाम, 80% ये होता है, कितना परसेंट होता है, 80%, ये 80% है, यहाँ लिखते नीचे लिखते हैं 80% ये है, अगर कोई पूछे क्या अमीनो एसिड इसमें जुड़े होते हैं, दो अमीनो एसिड इसमें होगा, दो अमीनो एसिड इसमें भी होंगे, खाए आयोडीन का इसमें 3 आयोडीन होगा, इसमें 4 आयोडीन होगा, फंक्शन थायरॉक्सिन का फंक्शन क्या होता है, मैं लिख दे रहा हूँ सब ऐसे, क्या काम करता है, डेवलपमेंट ऑफ नर्वस सिस्टम, एंड ब्रेन, पहली बात, हो गया, मेंटेन क्या करता है, BMR, जाति भाषा में बोलते हैं बेसल मेटाबॉलिक रेट, बेसल मेटाबॉलिक रेट, तीसरा क्या करता है, ये तीसरा क्या मेंटेन करता है, बॉडी ग्रोथ,
कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म, सब अलग अलग लिख दे रहे हैं इसीलिए, कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म, फैट मेटाबॉलिज्म, स्ट्रांग लिपोलिटिक है ये, याद रखिएगा, लिपिड को तोड़ने वाला स्ट्रांग लिपोलिटिक हार्मोन है ये, प्रोटीन मेटाबॉलिज्म के लिए होता है। और क्या करता है, इरिथ्रोपोएसिस करवाता है, पोएसिस हो गया, इरिथ्रोपोएसिस करवाता है, ब्लड का फॉर्मेशन। कोई प्रॉब्लम है किसी को, बोलिए। डेवलपमेंट ऑफ नर्वस सिस्टम, ब्रेन, ब्रेन के डेवलपमेंट के लिए इधर दे गए, मेंटेन बीएमआर, बेसल मेटाबॉलिक रेट के लिए, बॉडी ग्रोथ डेवलपमेंट के लिए, कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म के लिए, फैट मेटाबॉलिज्म के लिए, प्रोटीन मेटाबॉलिज्म के लिए, और एथ्रोपोसिस के लिए, और एक काम करता है मेटामॉर्फोसिस के लिए, मेटामॉर्फोसिस। इंडिविजुअल में ये टैडपोल लार्वा है तो मेटामॉर्फोस करके मेडक बनता है, तो उसके लिए थायरॉक्सिन की जरूरत पड़ेगी, अगर आयोडीन कमी हो जाए तो प्रॉब्लम हो जाएगी। ये किसका है, फंक्शन ऑफ थायरॉक्सिन का, और कोई फंक्शन हो देख लीजिए, अगर हो ना हो तो हम बता दें, हम उससे हमारे समझ से इतना फंक्शन है, समझ रहे हैं ना, इतना दिमाग में आपको होना चाहिए। इसे थायरॉइड ग्लैंड बहुत इम्पॉर्टेंट है, समझे। इरेज करें अब इसको। डेवलपमेंट ऑफ नर्वस सिस्टम, ब्रेन और नर्वस सिस्टम के डेवलपमेंट के लिए जिम्मेदार होता है ये। मेंटेन बीएमआर, बेसल मेटाबॉलिक रेट को मेंटेन करता है, बॉडी ग्रोथ के लिए होता है, कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म के लिए है, फैट मेटाबॉलिज्म के लिए, प्रोटीन मेटाबॉलिज्म के लिए है, एथ्रोपोसिस के लिए, मेटामॉर्फोसिस के लिए है, समझ रहे हैं ना। इरेज कर दें, लिखो जल्दी बेटा। तो तनी से अगर पानी बरस गया तो बतासा रख की तरह सब गल जाते हैं, जैसे अजीबोगरीब स्थिति है। ये तैयारी करते हैं, झीसी पड़ गया बस खत्म, कोचिंग बंद, आज छुट्टी रहेगी। एक लोग फोन करके पूछ रही हैं, रही हैं सर जी कोचिंग खुली रहेगी बंद रहेगी, उनके बेटा बंद रहेगी, क्या सो आराम से, खूब सो, कल आए। वक्त जिंदगी में अगर कुछ पाना है तो जागना है, खोना है तो सोना है, खोना है तो सोना है। अरे सोना मतलब सोना चांदी वाला नहीं, देखिए इधर आगे अब क्या करना है सुनिए। हो गया, अब तीसरा जो बता रहा था मैं, इसमें एक मिनट, डिसऑर्डर बता दें, डिसऑर्डर में पहला है हाइपोसिक्रेशन से क्या डिजीज है, तीन चार डिजीज है। पहला डिजीज है ए क्रिटिनिज्म, ये कब होगा, इफ हाइपोसिक्रीशन ऑफ थायरॉक्सिन कब होता है, इफ हाइपोसिक्रीशन ऑफ थायरॉक्सिन इन फीटल लाइफ या इम्ब्रियोनल लाइफ, इफ हाइपोसिक्रेशन थायरॉक्सिन अकर्स
इन फीटल लाइफ या इम्ब्रियन लाइफ, तो क्या होगा? क्यूटिनिज्म अकर्स, क्रिटिनिज्म अकर्स, क्यूटिनिज्म हो जाएगा, क्यूटिनिज्म अकर्स, बोलिए ना, क्यूटिनिज्म अकर्स। इसमें क्या क्या प्रॉब्लम होती है? प्रॉब्लम क्या क्या होगी? मेंटल डिसऑर्डर होगा, स्टंटेड ग्रोथ होगा, स्टंटेड ग्रोथ, मेंटल डिसऑर्डर, स्लो बीएमआर, लो बीएमआर, लो बीएमआर, स्टेराइल नेचर, स्टेराइल नेचर, स्लगिश, स्लगिश होते हैं ये, एटीसी, स्लगिशनेस, एटीसी, और भी कुछ हो सकता है। बाद इधर देखिए, बॉडी में हल्का फुल्का स्वेलिंग आ जाएगी, मेंटल रिटार्डेड होंगे, मेंटल डिसऑर्डर होगा, मेंटल डिसऑर्डर या मेंटली रिटार्डेड कह सकते हैं आप, है ना, मेंटल डिसऑर्डर की जगह मेंटल रिटार्डेशन लिख देंगे तो और अच्छा हो जाएगा, आपकी बुक के अनुसार हो जाएगा। तब मेंटल रिटार्डेशन, स्टंटेड ग्रोथ, ग्रोथ छोटी हो जाएगी, और क्या होगा? लो बीएमआर, बेसल मेटाबॉलिक रेट हो जाए, कम हो जाएगा, स्टेराइल नेचर हो जाएगा, स्लगिशनेस हो जाएगा, और मेटाबॉलिक एक्टिविटी भी क्या कर जाएगी? डिक्रीज कर जाएगी। तो बीएमआर में खुद हुआ गया, कुल हो गया। ये प्रॉब्लम होगी किसमें? क्रिटनीज में, जड़ बुद्धिता, इसको बोलते जड़ बुद्धिता, मतलब उनका इधर बुद्धि जड़ हो जाएगी एकदम, और साइज भी थोड़ी छोटी होगी। हो गया। हमारे गांव में एक था बेचारा, मर गया बेचारा लड़का। दूसरा किडनीज हो गया, कुछ परेशानी बताओ, कुछ परेशानी से पूछ लो ना, जो परेशानी तो पूछ लो, हमसे तू पूछ लो। अगला है माइक्सो एडेमा, माइक्सो एडेमा, माइक्सो एडेमा क्या होता है? अगर हाइपोसिक्रीशन कब होता है? हाइपोसिक्रीशन ऑफ थायरॉक्सिन अकर्सिन एडल्टहुड, ओआरआर मिडिल एज, मिडिल एज एडल्टहुड में होता है, मिडिल एज में होता है, तो क्या प्रॉब्लम होती है? मिडिल एज तो क्या प्रॉब्लम होगी? तीन चार पॉइंट लिख दे रहे हैं। स्वेलिंग इन द बॉडी, स्वेलिंग इन द बॉडी, दूसरा स्वेलिंग इन द बॉडी होगी, बॉडी स्वेल कर जाएगी, स्वेलिंग इन द बॉडी, एबनॉर्मल मेंस्ट्रुएशन, मेंस्ट्रुएशन इन फीमेल, इनकी बात हो रही है, इनका भी पीएमआर स्लो हो जाएगा, स्लो हो जाएगा, ये भी स्लगिस हो जाएंगी, स्लगिस हो जाएंगी ये भी, और क्या होगा? मेंटल रिटार्डेशन होने लगेगा, इसमें भी प्रॉब्लम आने लगेगी, एरिथ्रोपोइसिस भी कम हो जाएगा। अब क्या करेंगे इससे ज़्यादा, समझ रहे हैं ना?
अब पगला के मर न जाइए, ये मेंटल टायर्डनेस थोड़ा कम, सोचने समझने क्षमता कम हो जाएगी ना, सब पगला बहुत ध्यान से लगा पगला के मर जाइए का तुरंत है, जब कुछ खा पी के नहीं आएंगे तब पगला के मरेंगे, ये तू लोग की दशा है। ये दीनहीन दशा के लिए जिम्मेदार तुम लोग खुद ही हो गया, बोलिए इरेज करें। इरेज करें, अब देखो तीसरा, अगर क्या हो जाए गोइटर, इफ आयोडीन डिफिशियंसी अकर्स इन, कहाँ होता है इन डाइट, DIET, तो क्या होगा आयोडीन डिफिशियंसी जो डाइट में, तो क्या प्रॉब्लम होगी, स्वेलिंग ऑफ नेक अकर्स, स्वेलिंग ऑफ नेक आकर्ष किसके कारण, ड्यू टू स्वेलिंग ऑफ नेक आकर्ष ड्यू टू किसके कारण, इनलार्जमेंट ऑफ थायराइड ग्लैंड, इनलार्जमेंट ऑफ इनको प्रॉब्लम कुछ नहीं होगी, पूछो क्यों प्रॉब्लम नहीं होगी, क्योंकि यह कंपनसेट करने के लिए खाई बढ़ता है ताकि ज़्यादा हम थायरॉक्सिन बना सकें, उनको प्रॉब्लम नहीं आएगी, समझ रहे हैं ना, बाद में भले कैंसर फैंसर हो जाए अलग प्रोसेस है, लेकिन इनको प्रॉब्लम नहीं आएगी, मेटाबॉलिक रेट इनका नॉर्मल चलेगा, सब कुछ नॉर्मल चलेगा, खाली घोंघों में फुला रहेगा, आँख वो नहीं निकली रहेगी, आँख तो हाइपर थायराइड में निकलता है, हो गया गोइटर हो गया। कभी कभी दवाएँ दी जाती हैं क्या करने के लिए, गोइटर को ठीक करने के लिए, वही दवाएँ ही उसके लिए विष बन जाती हैं, उसको बोलते हैं हाशिमोटोज़ डिजीज़, लिख दें क्या यहाँ पे हलाक बुक में है नहीं, क्या मतलब उसका है। अब देखिए हाइपर सिक्रेशन से क्या होता है, एक ही लाइन की बात है, हाइपर सिक्रेशन से एक ही डिजीज होगा, कौन, ग्रेव्स डिजीज या हाइपर थायरॉयडिज्म गोइटर इसको बोलते हैं, हो गया ना। इसमें क्या क्या प्रॉब्लम होती है ग्रेव्स डिजीज में, ये हाइपर सिक्रेशन किसका होगा, हाइपर सिक्रेशन ऑफ क्या, थायरॉक्सिन कॉजेज ग्रेव डिजीज, काज करता है ग्रेव्स डिजीज, ग्रेव्स डिजीज में क्या होता है, देखो इधर बल्गिंग ऑफ आईज, आंखें बाहर निकल आएंगी, जैसे आंखें बाहर में निकल के नाचे नहीं लगेंगी, इनाक आंख निकल के नाचे लगेगी सड़की पर, बाहर निकलने मतलब ये सफ़ेद वाला भाग काफ़ी बाहर आ जाएगा, तो डरावना चेहरा हो जाएगा, आप समझे हो, लेकिन ब्रेन शार्प होगा, अब बुक में नहीं लिखा लेकिन फिर भी हम बता दे रहे हैं, ब्रेन कैसा होगा, शार्प ब्रेन होगा। BMR क्या होगा, बिसबिट्रेट इंक्रीज किया हुआ रहेगा, इंक्रीज रहेगा, बॉडी थिन होगी, इरिटेबल नेचर होगा, और
स्वेलिंग ऑफ नेक होगा इनका भी, स्वेलिंग ऑफ नेक, इनका भी घेंगा फूला रहेगा, दोनों चीज़ होगा। इधर अक्षय बाहर आ जाइए और घेंगवा बाहर आ जाइए। इधर देखो, आँख बाहर घेंगा बाहर, सुनो, आँख बाहर घेंगा बाहर, दोनों का आना डरावना चेहरा हो जाएगा ना। और कोई बुक में नहीं लिखा है आपकी बात, हो गया ये सब प्रॉब्लम है। तो पुरोहित लिखे हैं बी एम आर इनक्रीज ना लिखे हैं, बॉडी थिन हो जाएगा, थिन मतलब बॉडी वेट कमजोर हुआ तो थिन होंगे ना। अरे वो माइक्सोइडिमा होगा पगलू, माइक्सोइडिमा बॉडी वेट बढ़ेगा, इसमें बॉडी वेट नहीं बढ़ेगा। हो गया, देखो एम ए कुम्भ ना करे तू लोग याद करते समय, हो गया। अब इसके बाद देखिए, एक एक अभी रुक जाइए, एक लाइन बात है, बात तो अभी बात बाकी है, ये समय कहीं कहीं आपको काम आएगी, जो मैं आज समय आपको दे रहा हूँ वो आप समय आपके काम आएगा। इरेज करें, बोलिए हाँ, देखो इधर सुनो, मैं आपको जो बता रहा हूँ इसको देखिए, कैल्सिटोनिन बचा हुआ है एक हार्मोन, तो कैसे याद कर लो, कैल्सिटोनिन ये कैसा हार्मोन है। अब देखो प्रोटीनस हार्मोन है, ये क्वेश्चन पूछता है क्योंकि सबको समझ में आता है थायरॉक्सिन हार्मोन निकलता है, थायरॉइड होता है, और थायरॉक्सिन ये भी निकलता है मगर ये प्रोटीनस नेचर का होता है, प्रोटीनस इन नेचर। पहली बात, सीक्रेट कहाँ से होता है, सिक्रेटेड फ्रॉम, कहाँ सिक्रेट होता बताइए, पैराफॉलिकुलर सेल्स, फॉलिकुलर सेल्स क्या काम करता है, डिक्रीज द कैल्शियम लेवल इन ब्लड एंड इंक्रीज बोन फॉर्मेशन बाई इंक्रीजिंग फंक्शन ऑफ, किसका इंक्रीजिंग फंक्शन करके, इंक्रीजिंग फंक्शन ऑफ, बुक में नहीं लिखा है ये, ऑस्टियो साइट सेल्स या ऑस्टियोब्लास्ट सेल्स या ऑस्टियोब्लास्ट सेल, हो गया। ये कैसा होता है, कैल्सिटोनिन इज एंटागोनिस्टिक्स ऑफ पैराथार्मोन, पैराथार्मोन का उल्टा काम करता है ये, क्वेश्चन याद की रहिएगा, पैराथार्मोन एंटागोनिस्टिक ऑफ पैराथार्मोन, ये एंटागोनिस्टिक होता है, उल्टा काम करता है पैराथार्मोन का, समझ में आ गई बातें। ये हो गया आपका एक टॉपिक, अब इसके बाद बचा हुआ पैराथायरॉयड ग्लैंड, क्या है पैराथायरॉयड ग्लैंड, उसको हमको पढ़ाने में 5 मिनट लगेंगे, तब एकदम ख़त्म ही कर दे का, फिर पढ़ाना फिर छोड़ें फिर पढ़ाना का मतलब निकलेगा, है कि नहीं, एक ही बार में एक धुआं कर ख़त्म कर दें उसको, समझ में आई बात। ब्लड में कैल्शियम लेवल को कम करता है, कैसे कम करता है, बोन के फॉर्मेशन को बढ़ा देता है, बोन को स्ट्रांग बनाता है, कौन, हम, तू ही लोग अपने बना लेती हो, के बनाता है कैल्सिटोनिन, बोन में से कैल्शियम खींच के ले जाएगा, बोन में फिट कर देगा, बोन स्ट्रांग हो जाएंगी, तब बना रखते हैं, दौड़ते हैं लोग, नहीं दौड़ते हैं, देखो
और अगर इसकी इधर देखिए, अगर नहीं काम करेगा इसका मामला उल्टा पड़ने लगेगा, उल्टा पड़ेगा ना, बोलो ये उल्टा पड़ने लगेगा। तो बात ऐसी नहीं है, आपको समझने की जरूरत है। ब्लड में कैल्शियम लेवल को घटाने वाला कौन है? ब्लड में कैल्शियम कौन घटाता है? कैल्सीटोनिन। बढ़ाता कौन है? पैराथार्मोन। अभी पढ़ाएंगे आपको, हो गया। तो घटाने का यही कर, बढ़ाने का यही कर, घटाने का ये करता है। कैसे करता है घटाने का काम? ऑस्टियोसाइट सेल के फंक्शन को बढ़ाता है। ऑस्टियोसाइट क्या करता है? बोन का फार्मेशन करती है। बोन के फार्मेशन कैल्शियम डिपोजिशन कर देती है ज़्यादा से ज़्यादा। जब कैल्शियम ज़्यादा डिपोजिशन हो जाता है तो बोन जो है स्ट्रांग होती चली जाती है। समझ में आ गई बात? एंटागोनिस्टिक में उल्टा काम करती है, पैराथार्मोन का उल्टा ही काम करती है। इरेज करें, दुख कुछ हो पूछ लीजिए, दुखी मत रहिए, दुखी नहीं होना है। लिख चुके हैं ना बेटा? हाँ, तो एकदम धुआं तरह काम करो, हो गया। एक मिनट एक बार भी नहीं काम को भूख लगा, एकदम बहादुर तरह बैठा हुआ लड़का, सोचो वही एक बार नहीं काम को भूख लगाता। कहा सजिए पढ़ाइए खूब, क्वालिटी देखिए, अरे लोग भूख लग गई भाई। ये पैराथार्मोन देखो, पैराथायरॉइड ग्लैंड, पैराथायरॉइड ग्लैंड ये कहाँ स्थित होता है? फोर पैराथायरॉइड ग्लैंड, अभी दिखाएं कहाँ पाई जाती हैं ग्लैंड, सिचुएटेड ऑन, कहाँ प्रेजेंट होती है? सिचुएटेड ऑन डार्सल, सिचुएटेड डार्सल साइड ऑन फोर कॉर्नर, क्या कॉर्नर पे? चारों कॉर्नर पे ही ना है, ऊपर एक का जगह ऑफ थायरॉइड ग्लैंड। थायरॉइड ग्लैंड हो गया, फोर कॉर्नर ऑफ थायरॉइड ग्लैंड, ठीक है। अब देखिए ये क्या निकलता है, इट सीक्रेट्स प्रोटीनस हार्मोन। चलो पॉलीपेप्टाइड होगा तब भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, प्रोटीनस पॉलीपेप्टाइड क्या होता है? प्रोटीनस हार्मोन, क्या नाम उसका है? पैराथार्मोन या कोलिप्स हार्मोन या कोलिप्स हार्मोन या इसको और नाम जानते हैं पीटीएच, पीटीएच याद रखिए, पैराथार्मोन, ये पैराथार्मोन का पीटीएच भी कह सकते हैं इसको। कोलिप्स हार्मोन साइंटिस्ट के नाम पे पड़ा हुआ है, हो गया। हाँ, कोलिप्स ने खोजा था इसको। अब इसका फंक्शन, फंक्शन इसका क्या काम करता है ये? इधर देखो, तीन एक ही काम करना है इसका, इंक्रीज ब्लड कैल्शियम लेवल, इंक्रीज ब्लड कैल्शियम लेवल। ब्लड कैल्शियम लेवल क्या करता है? इंक्रीज कर देता है, बोलिए ना। कैसे इंक्रीज करता है? इंक्रीज ब्लड कैल्शियम लेवल, ब्लड कैल्शियम लेवल को बढ़ाएगा, हो गया। तीन विधियां हैं वो, पहला इंक्रीज एब्जॉर्प्शन ऑफ कैल्शियम, कहाँ से? कैल्शियम फ्रॉम इंटेस्टाइन, दूसरा इंक्रीज रीएब्जॉर्प्शन ऑफ कैल्शियम, कहाँ से? फ्रॉम नेफ्रॉन, नेफ्रॉन से। तीसरा, जब ये दोनों नहीं रहेगा तब प्रॉब्लम होगी,
इंक्रीज डिजोल्यूशन ऑफ डिजोल्यूशन ऑफ बोन अर्थात किसके फंक्शन को बढ़ाएगा, इट मींस इंक्रीज फंक्शन ऑफ ऑस्टियोक्लास्ट सेल के फंक्शन को बढ़ा देती है। बोलिए ना, तीन विधियां हैं कैल्शियम लेवल बढ़ाने का। ये क्या करेगा, इंटेस्टाइन से कैल्शियम के एब्जॉर्प्शन को बढ़ा देगा, तो भी ब्लड में कैल्शियम बढ़ गया। अरे बोलो ना यार, हाँ हुआ ना। फिर नेफ्रॉन से कैल्शियम आकर ये एब्जॉर्प्शन बढ़ गया, तब ब्लड में जाएगा, बढ़ गया। तीसरा काम क्या करेगा, अब जब ये सब नहीं हो पाएगा, जब कैल्शियम कमी हो जाएगी, तो बोनमा को डिजॉल्व करके उसमें से कैल्शियम निकाल के भेजिएगा ब्लड में, क्योंकि कैल्शियम का नर्वस सिस्टम में योगदान है। आपने देखा था सिनेप्स के रॉन्ग एलॉन्ग मसल्स कंट्रक्शन उसका योगदान है, ब्लड क्लाटिंग उसका योगदान है। कैल्शियम आयन नहीं रहेगा तो मामला उल्टा पड़ने लगेगा। अभी दिखा रहे कैसे उल्टता है, हो गया। ये सब ऐसे लिखने से होता है कि एक कंसेप्ट बन जाता है, बाकी भूकंप तो लिखे है। एक दिमाग में क्लू बनाना चाहिए, क्लू बना के तब पढ़ना चाहिए। और बार बार रिविजन करेंगे, बार बार चीज़ें आएंगी सामने। इरेज करें हम हाइपोसिक्रेशन, ऊपर का खाली कर रहे हैं। किसके हाइपोसिक्रेशन से क्या क्या फ़ायदा होगा, हाइपोसिक्रेशन से क्या फ़ायदा होगा, हाइपरसिक्रेशन से क्या फ़ायदा होगा, लिख लिए हैं। नेक्स्ट, हाइपोसिक्रीशन क्या काज करेगा, हाइपोसिक्रीशन से टीटैनी हो जाएगा, क्या हो जाएगा, टीटैनी हो जाएगा। टीटैनी क्या होता है ये बताया था मस्कुलर वाले में, हाँ हाँ, तब का हुई है, लुल हो जाएंगे ना। यह देखो मस्कुलर स्पाज्म हो जाएगा, लड़का बहुत सही बताया है, मस्कुलर स्पाज्म हो जाएगा। मस्कुलर स्पाज्म जब होगा तो हाथ पर बेंड हो जाएगा, टिड़िया आ जाएगा, इसे बेंडिंग ऑफ हैंड एंड फिट मुँह हो सकता है, कोई गारंटी नहीं फिट में हाथ में होगा, मुँह टेढ़ा हो सकता है, कमरियो टेढ़ी हो सकती है, हमेशा डांसिंग की मुद्रा में भी हो सकते हैं। बोलिए ना, मस्कुलर स्पाज होगा ना। हमारे बगल में करते मैं बता रहा हूँ ना, जो हाँ भाई सहना था वो दिखाया इसे, वो बेचारा जो है इसे चल पे करता है, इसे रहता है, इसे चलता है। कभी आप देखिएगा पतला नहीं मोटा से पतला वाला है, ये पतला से बेचारा इसे, अब 10 भैंस खरीद कर आओ, एक बार कहेगा ना 10 भैंस को आओ कुल आ जाइए सब, चलो तुरंत चले ना, उतना आज्ञा का पालन करते उसके। और जबकि बेटा टिटैनी का पेशेंट अपने हैं, अपना दूध पी के ना कैल्शियम लेवल बढ़ा पावा, और दूध बेच कर दुनिया का सही काम कर रहा है, क्या प्रॉब्लम है। टिटैनी हो गया, अगर हाइपरसिक्रेशन होगा तब क्या होगा, ये देखो हाइपरसिक्रेशन होगा तो ऑस्टियोपोरोसिस हो जाएगा, इधर देखो ऑस्टियोपोरोसिस हो जाएगा, बोन बिकम्स फ्रेजाइल एंड ब्रेकेबल, बोन बिकम्स फ्रेजाइल एंड ब्रेकेबल टूटने वाली हो जाएंगी। फ्रेजाइल मतलब भंगुर होता है, कमजोर, इधर लचीली, इधर देखो लचीली हो जाएंगी, टूटने वाली, बात समझे। एक दो सीढ़ी से अगर ऊपर नीचे थोड़ा उतर गए तो मामला जो है क्या हो जाएगा, अटक जाएगा।
कोई प्रॉब्लम बताएं, बोलिए, हो गया यहाँ तक? ये है आपका पैराथार्मोन। अगला जो पढ़ना है वो आपको पढ़ना है एड्रिनल ग्लैंड। इसका कौन ग्लैंड है? थाइमस एक एड्रिनल है। बुक में देखे कौन सा है? थाइमस होगा। सीक्वेंस वाइज चलेंगे तो, हाँ सीक्वेंस वाइज चलेंगे तो यहाँ के बाद थाइमस ग्लैंड होगा। हैंड डालिए, थाइमस ग्लैंड यहीं पे छोड़ दीजिए, नहीं पागल हो जाएंगे तुरंत आप लोग। थाइमस ग्लैंड हैंड डाल के छोड़ देंगे। अब कहाँ पोजिशन है क्या है ये आपको देखने के लिए हमारी मुलाकात कल होगी, रविवार है ना।